हेलो गाइस, तो आज हम अपना नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम रेजर व्यंजन के जो हमारे पास सिंटेक्स होते हैं उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। बेसिकली हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वगैरह क्या होती हैं, किस तरह से हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, और HTML जो कोड होता है रेजर ब्लॉक के अंदर वो हम किस तरह से लिखते हैं, डायरेक्टिव्स क्या हैं और अदर व्यू इंजन्स कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता है कि हमारी एप्लीकेशन में बहुत जगह ऐसी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमें कुछ काम लॉजिकल काम करना होता है, कंडीशन के हवाले से काम करना। और लेट सपोज अगर हम एक मार्कशीट बना रहे हैं तो वहाँ पर हम स्टूडेंट का ग्रेड चेक कर सकते हैं, या हम कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जहाँ पर हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू हो और ये चीज़ फॉल्स हो तो हम ये मज़ीद काम करना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास कभी हम यूज़र को लॉग इन कराते हैं तो हम चेक करना चाहते हैं कि यूज़र अगर वैलिड यूज़र है तो हमारे पास लॉग इन हो जाए, अगर वैलिड यूज़र नहीं है तो ये काम हो जाए। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर जो हमारी डिस्कस कर रहे हैं वो है इफ एल्स। तो इफ एल्स को किस तरह से हम यूटिलाइज़ करेंगे, तो आइए विजुअल स्टूडियो में कोड करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने प्रोजेक्ट यूज़ किया था रेजर, तो उसी को स्टार्ट कर लेते हैं और उसी के अंदर कोडिंग कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारे पास लोड हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्रोलर बना हुआ है और एक इंडेक्स मेथड बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक नया मेथड डिक्लेयर कर लेता हूँ, एक्शन रिजल्ट, और इसको हम नाम दे देते हैं माई माई कोड, ठीक है। और यहाँ पर एक व्यू रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न व्यू। और रिटर्न व्यू करवाने के बाद इसका जो व्यू है वो हम बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, और यहाँ से एम्प्टी, और किसी पे चेक नहीं कर रहे, तो ये हमारे पास एक व्यू जनरेट हो जाएगा। तो व्यू जनरेट हो गया है। तो अब यहाँ पर आकर हम अपना इफ एल्स का कोड लिखते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। लेट सपोज उसको नाम दे देते हैं हम वेरिएबल नम1 इक्वल्स टू 40, और लेट सपोज चले हम एज पे लगाते हैं कि अगर हमारा यूज़र जो है वो एज उसकी 18 है या 18 से छोटी है तो हम कुछ काम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसकी एज क्या है यहाँ पर 18 रखी है। अब आते हैं इस पर कंडीशन लगाते हैं। लेट सपोज हम चेक कर लेते हैं कि इफ एज ग्रेटर देन 18, तो हम एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं और H5 हेडिंग में हम प्रिंट कर देते हैं यू आर एलिजिबल एलिजिबल टू कोड, ठीक है। तो हम अभी हमने इसकी एज क्या रखी हुई है, 18 लिखी हुई है। तो मैं यहाँ से अभी इसको 19 करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करा कर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये कोड शो हो रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या लिखा है, इफ़ लगाया है और इफ़ के अंदर एक एज का वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया है, तो हमने ये चेक किया है कि जो एज है उसकी वैल्यू अगर 18 से बड़ी है तो हमारे पास लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल टू कोड। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास पेज लोड हो गया और हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यू आर एलिजिबल टू कोड। तो अब यहाँ पर हम चेक करना चाहते हैं अगर इसकी यानी अगर इसकी एज जो है वो 18 से छोटी हो तो हम यहाँ पर चेक हम एल्स पार्ट में देना चाहते हैं, क्योंकि देखें एल्स पार्ट हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ट्रू एवेल्यूएट हो जाता है तो हम ट्रू ब्लॉक में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम टू ब्लॉक के बाद कोई काम करना चाहें तो ये हमारे ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि हम वो काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यानी इफ़ के बाद आपके पास एल्स के बगैर भी आपका इफ़ जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो कभी आप इस तरह से कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर उसकी एज छोटी आ जाती है तो आप उसको एक मैसेज ज़रूर प्रिंट करना चाहते हैं कि आपके पास यू आर नॉट एलिजिबल, तो उस कंडीशंस में आकर आप एल्स पार्ट को यूज़ करते हैं कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाए या इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आप एल्स में वो मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर उसकी एज 18 से छोटी होगी तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल टू कोड। तो सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं।
आप देख सकते हैं क्या है। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ से अभी 18 ही रखा हुआ है, हम इसको आकर यहाँ से 17 करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू कोड। अगर हम एक से ज़्यादा जो है वो कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम एल्स इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये कंडीशन भी लगाना चाहता हूँ कि एल्स इफ के एज जो है अगर ठीक है, अगर उसकी एज जो है वो क्या हो ग्रेटर देन 40 हो जाए या ग्रेटर देन 45 हो जाती है, देन क्या हो, देन हमारे पास एक मैसेज प्रिंट हो और उस मैसेज पे आए यू आर टू ओल्ड टू कोड। तो अब हमने क्या लगाया है कि देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है 18, लेकिन अभी एक इशू आएगा क्योंकि 18 और 18 के बाद हमारे पास क्या है ये कंडीशन का भी एवेल्यूएट एल्स इफ वाली होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब भी हम कोई भी वैल्यू ऐसी देंगे जैसे 18, 19, 45, इवन हम अगर 45 भी देंगे, तो अगर हम 45 भी देंगे तो तब भी हमारे पास यही हमेशा कंडीशन एवेल्यूएट हो रही होगी। तो यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर को अप्लाई कर लेते हैं जिसके अंदर हम एंड कंडीशन भी लगा देते हैं। तो एंड ऑपरेटर लगा के यहाँ हम बोल देते हैं कि एक तो एज हमारे पास क्या हो ग्रेटर देन 80 हो और लेस देन 45 हो। तो हमने यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन लगा दी है, तो हम यहाँ पर ये चेक करना चाह रहे हैं कि एज क्या हो ग्रेटर देन या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, या फिर अगर इस और ये दोनों चीज़ें अवेल्यूएट करेगा, यानी यहाँ पर दोनों कंडीशन अवेल्यूएट करेगा। अगर यहाँ से ट्रू मिलेगा तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यू आर एलिजिबल टू कोड, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता है कि हम 46 देते हैं या उससे कोई बड़ी वैल्यू देते हैं एज के अंदर, तो वो हमें देगा यू आर टू ओल्ड टू कोड, यू आर टू ओल्ड टू कोड। ठीक है, और अगर हम छोटी वैल्यू देते हैं यानी इससे छोटी वैल्यू देते हैं 18 या 18 से छोटी वैल्यू 18 से छोटी वैल्यू देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू कोड। तो हम ऑलरेडी जो है इफ वाली और एल्स वाली कंडीशन को एवेल्यूएट करके देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं आकर इसको एज को कर देता हूँ 46 और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो उसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें आपके पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हुआ है यू आर टू ओल्ड टू कोड। तो बेसिकली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं अपने रेजर सिंटेक्स के अंदर आकर इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये इसका शॉर्ट एंड आप कह सकते हैं शॉर्ट एंड ऑपरेटर फॉर इफ एल्स कंडीशन। अगर कभी आपको एक ही लाइन में इफ एल्स कंडीशन चलानी है तो वहाँ पर आप टर्नरी ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं आकर मैं टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, उसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं वार लेट्स सपोज बूल। ठीक है, और यहाँ बोल लेते हैं एक बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं बूल और इसको दे देते हैं इज ट्रू, एक प्रॉपर्टी बना ली इज ट्रू और इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं हमेशा यहाँ से अभी ट्रू एवेल्यूएट करा लेते हैं। तो यहाँ पर आके हमने एक वेरिएबल बनाया इज ट्रू और उसके अंदर हमने वैल्यू पास की है ट्रू। अब आते हैं टर्नरी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ एट द रेट, उसके बाद यहाँ पर मेरी कंडीशन। तो सबसे पहले कंडीशन में चेक करना चाह रहा हूँ इज ट्रू, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन पास करनी है, यानी अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हम मैसेज पर लगा दें इट्स ट्रू, और अगर ये आपको फॉल्स रिटर्न कराता है तो हम यहाँ पर दे देते हैं इट्स फॉल्स। तो बेसिकली हमने एक इनलाइन एक्सप्रेशन लिखी है जिसके अंदर हमने टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया। तो अगर यहाँ पर इस ट्रू के वेरिएबल में हमें ट्रू रिटर्न होगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा इस ट्रू, और अगर यहाँ पर हमारे पास फॉल्स मिलेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा इट्स फॉल्स लिखा हुआ आएगा। तो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है, ये कंडीशन को अवेल्यूएट करता है और उसके बिहाफ में या तो इफ ब्लॉक को रन करता है या तो फिर आपके पास फॉल्स ब्लॉक को रन करता है। तो आइए इसको देखते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं कोड को।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वो प्रीवियस कोड से आया यू आर टू ओल्ड टू कोड, और यहाँ पर हमारे पास रिटर्न हुआ है इट्स ट्रू, क्योंकि हमने वहाँ पर बूलियन वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी थी, टू रखी थी। आइए इसकी वैल्यू को हम फॉल्स करके देखते हैं कि क्या हमारे पास दोनों कंडीशन रन हो रही हैं। तो मैं इसको यहाँ से फॉल्स करता हूँ, इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं अब इसने हमें क्या रिटर्न किया है, फॉल्स रिटर्न किया है। तो इस तरह से आप टर्नरी ऑपरेटर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और इफ एल्स कंडीशन और इफ एल्स इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है लूप्स का। अब लूप्स हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से हम बनाते हैं, तो आइए वो भी देखते हैं। हम विजुअल स्टूडियो की तरफ मूव करते हैं। तो जब भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ इस तरह का पार्ट लिखना है जहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं, जब आप रिपीटेशन करवाना चाहते हैं, आइट्रेशंस करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप बेसिकली लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब फोर लूप का सिंटेक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐट द रेट का साइन लेते हैं फोर, और यहाँ पर हम इनिशलाइजेशन करते हैं अपने वेरिएबल के। लेट सपोज मैं बोलता हूँ इनिशलाइज कर देता हूँ आई इक्वल्स टू वन, एंड यहाँ पर बोल देते हैं आई, यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होती है कि कहाँ तक हमने अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है, यानी कितनी बार। तो मैं बोल देता हूँ आई ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू फाइव एंड आई लेस लेस। बेसिकली अब ये लूप करेगा क्या हमारे पास, तो बेसिकली ये लूप करेगा क्या कि आई वन से, जब आई की वैल्यू वन से स्टार्ट होगी और जब तक आई की वैल्यू फाइव नहीं हो जाएगी, तब तक ये वैल्यू इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हमने जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक पी टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आके हम बोल देते हैं एट द रेट आई, तो हम इस इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर आकर मैं बी आर का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाए। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न हुआ है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी पुराने कोड से आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे बी आर लाइन लगाई थी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, बेसिकली इसने क्या किया है, इसने आपके लूप को प्रिंट कर दिया, लूप के जो काउंटर वेरिएबल था उसको इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनको प्रिंट करवा सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसके अंदर, जैसे फोर लूप है, फोर लूप के अंदर आप और इक्रीमेंट डिक्रीमेंट मज़ीद तरीके से कर सकते हैं, या आप चाहते हैं डिक्रीमेंट करना चाहें तो डिक्रीमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके आपकी कंडीशन में, जब आप लेस देन के लिए चेक कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आप ग्रेटर देन के लिए चेक कर रहे होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अब हमारा लूप क्या होगा, अभी इस कंडीशन में हमारा लूप क्या प्रिंट करेगा, हमारा लूप प्रिंट करेगा बेसिकली हमारा लूप जो है वो रिवर्स में प्रिंट होगा। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा लूप प्रिंट हुआ है वो बेसिकली किस में हुआ है, रिवर्स में प्रिंट हुआ है। तो आप इस तरह से लूप को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला लूप हम डिस्कस करने लगे हैं वो है फोर ईच लूप। बेसिकली फोर ईच लूप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कलेक्शंस होती हैं, एरेज वगैरह होती हैं, इस तरह की डेटा टाइप पर हम बेसिकली फोर ईच को यूज़ करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम फोर ईच लिखते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं आइटम, और उसको ये बताते हैं कि किस कलेक्शन या किस डेटा टाइप से आपको डेटा फेच करके लेकर आना है। तो यहाँ पर लिखा है वॉर आइटम, तो अब इसको इस बात की टेंशन नहीं होती कि हमें कहाँ तक लूप को चलाना है, कहाँ तक एग्जीक्यूट करता है, वो इस कलेक्शन से खुद ही गेट कर लेता है कि हमें लूप को कितना चलाना है, और हर आइट्रेशन के ऊपर ये जो कलेक्शन से एक आइटम है वो इस आइटम के वेरिएबल में आके लोकेट हो जाता है। तो आइए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पर आकर उसको अप्लाई करने के लिए, फोर ईच लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए, मैं यहाँ पर आकर एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो ये लिस्ट जो है वो हम ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वॉर इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर की एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिखते हैं न्यू लिस्ट ऑफ टाइप इंटीजर, इंटीजर टाइप की हमने लिस्ट बनाई है, और इसको कुछ वैल्यू पास कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको 2, 4 कुछ 5 जो स्टार्टिंग इवन नंबर्स हैं वो प्रोवाइड कर देता हूँ, कॉमा
8, 10। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक इवन नंबर के नाम से एक लिस्ट जनरेट की है इंटीजर टाइप की, जिसके अंदर हमने कुछ 5 नंबर्स प्रिंट करवा दिए हैं। तो अब यहाँ पर आकर उन नंबर्स को हम फोर ईच लूप की मदद से प्रिंट करवाते हैं। तो इस डिफ के अंदर ही मैं ये काम कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H3, और यहाँ पर लिख देते हैं इवन नंबर्स, और यहाँ पर अच्छा करने के लिए इसको हम दे देते हैं फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, और यहाँ पर आकर एक HR की लाइन प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पर आके हम अपना फोर ईच लूप लिखते हैं। तो सबसे पहले एट द रेट का साइन, फिर फोर ईच, तो फोर ईच, और इसके अंदर वॉर। अब इस वॉर के बाद आप आइटम का जो भी नाम, आपके वेरिएबल का नाम जो भी रखना चाहें, हम यहाँ पे आइटम ले लेते हैं इन। अब इन के बाद आपको वहाँ पर उस डेटा कलेक्शन, उस कलेक्शन का नाम बताना है जहाँ से आपको डेटा फेच करके कराना है। तो हमारे पास क्या था, इवन नंबर के नाम से हमने ये लिस्ट बनाई थी। अब इसके अंदर आके, इस ब्लॉक के अंदर आकर आप अपना जो भी काम करना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। तो लेट्स सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, जितने भी इसके अंदर लिस्ट में आइटम है उनको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐट द रेट आइटम को प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर। तो सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको आगे, तो रन कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमने लिस्ट बनाई थी वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है फोर ईच लूप की मदद से। अब फोर ईच लूप को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, जब भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जैसे कलेक्शन टाइप का डेटा होता है, आगे जाके हम जब डेटाबेस अप्रोच को भी यूज़ करेंगे, तो डेटाबेस में हमारे पास जो डेटा यूज़ मिल रहा होता है वो एज अ लिस्ट मिल रहा होता है। तो लिस्ट के जब भी हम काम करते हैं तो फोर ईच लूप हमारे लिए बहुत ईजी होता है, और उसको अंडरस्टैंड करना भी ईजी होता है, और उस पर हम आसानी से इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारे पास कि हम किस तरह से HTML डेटा जो है वो अपने रेजर ब्लॉक के अंदर लिख रहे होते हैं। तो अभी हम, अगर आप देखते जाएँ तो हम रेजर ब्लॉक के अंदर अभी तक लिखते ही आए हैं कि किस तरह से हम लिख रहे होते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे जैसे ये पी टैग लिख रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, ये जो पी टैग है ये HTML डेटा है। अब लेट सपोज इस आइटम के साथ मैं एक वैल्यू भी प्रिंट कराता हूँ, इवन नंबर, ठीक है, और इवन नंबर, और इसके बाद ये प्रिंट करें कि जो भी आइटम पहले लिखा हुआ है इवन नंबर, और उसके बाद लिखा हुआ है कि ये आइटम। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने यह किया है कि यहाँ पर अपने रेजर ब्लॉक के अंदर HTML का कोड भी पास किया, ये पी टैग, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू, और ये जो आइटम भी है ये इसके अंदर फेच हो रहा है। तो सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इवन नंबर 2, इवन नंबर 4। तो ये बेसिकली हम इस तरह से HTML डेटा को, HTML टैग्स को अपने रेजर ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर वो है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं रेजर्स के अंदर, हमारे पास बेसिकली दो डायरेक्टिव्स मोस्टली जो यूज़ होते हैं। तो पहला डायरेक्टिव जो है वो यूजिंग, इट इज़ यूज टू एड नेम स्पेसिस एंड मॉडल क्लासेस। कभी कभार हमारे पास हमारे व्यूज़ के अंदर हमें नेम स्पेसिस की नीड होती है, कुछ क्लासेस को कॉल करने की नीड होती है, तो वहाँ पर हम यूजिंग को यूटिलाइज करते हैं। और फिर मॉडल क्या है कि अगर आपको याद हो तो हमने एक मॉडल का जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने इस मॉडल को, डायरेक्टिव को यूज़ भी किया था, जहाँ पर हमने देखा था कि मॉडल से हम डेटा फेच करवा रहे थे इसकी मदद से, किस तरह से इसके प्रॉपर्टीज़ को गेट कर रहे थे। तो आपको ये जो मॉडल का डायरेक्टिव है ये क्या करता है, यूज़ टू प्रोवाइड टाइप ऑफ मॉडल, कि हम किस टाइप का मॉडल यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आइए इनको यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले एक मॉडल बनाते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर, और फिर देखते हैं इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आकर एक मॉडल बना लेते हैं, एट द रेट यहाँ पर एड मॉडल, तो क्लास यहाँ पर, और इस मॉडल को हम क्लास को नाम दे देते हैं एम्प्लॉई, और यहाँ पर आकर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, पब्लिक इंटीजर आईडी, गेटर सेट, और सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेटर सेट, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम आते हैं एक कंट्रोलर में आते हैं, एक नया हम मेथड बना लेते हैं, उसके अंदर इसको अगेन यूटिलाइज करेंगे। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पर दे देते हैं DIR डायरेक्टिव, और रिटर्न व्यू,
और व्यू डिक्लेयर करवा देते हैं, यहाँ से ऐड करवा देते हैं व्यू को। तो ऐड करते हैं इसको, तो हमारे पास ये व्यू लोड हो चुका है। तो अब यहाँ पर जाके अगर हमें ये जो एम्प्लॉई हमने बनाया था, पर उससे पहले मैं एक बार, हमारी जब भी हम क्लासेस बनाते हैं तो एक चीज़ को आप याद रखें कि हमेशा आप अपने प्रोजेक्ट को वो रीबिल्ड कर लें क्लासेस बनाने के बाद, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एट द रेट यूजिंग, अब यूजिंग के बाद मुझे नेम स्पेस का नाम दे, यानी हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो रेजर, यहाँ पर रेजर, रेजर के बाद यहाँ पर आके मैं डॉट लिखूँगा तो ये हमें मॉडल शो कर रहा है। तो बेसिकली ये हमारे पास ये लाइन ऑफ कोड हम बता रहा है कि हम ये रेजर नेम स्पेस के मॉडल्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये नेम स्पेस हमने इंक्लूड कर लिया है। तो अब आते हैं कि किस तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कोड ब्लॉक में आकर एम्प्लॉई क्लास जो हमारी है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई, और यहाँ पर ही उसको हम डेटा भी पास कर देते हैं, तो ID 1, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा था, कंट्रोलर में जाकर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं कॉमा, और यहाँ पर लिख देते हैं असद। तो बेसिकली हमने एक एम्प्लॉई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आके इस, अच्छा तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब इसके बाद इसकी वैल्यू को गेट करते हैं। तो यहाँ पी टैग में आकर हम बोल देते हैं एट ID, तो emp.id, तो यहाँ से ID मिल रही है हमें, और इसको हम इस तरह से कुछ प्रिंट करवा देते हैं, तो यह हमें रिटर्न कर रहा होगा इसकी ID। तो यहाँ पर आते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमारे उसका नाम क्या था, कंट्रोलर एक्शन का नाम था DIR, तो यहाँ पर DIR लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें ID=1 रिटर्न हो रही है। तो इस तरह से हम यूजिंग को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डायरेक्टिव जो हमारे पास था वो क्या था, मॉडल। तो हमने, अगर आपको याद हो, मॉडल का जो हमने कोड था वो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इस तरह से मॉडल लिख देते हैं, और उसके बाद अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट का नाम है नेम स्पेस का, वो यहाँ पर लिखते हैं, मॉडल्स लिखते हैं, और डॉट करके जिस मॉडल, जिस टाइप के मॉडल को हमें गेट करना होता है वो यहाँ पर हम बता देते हैं। और फिर यहाँ पर आकर हमें इस तरह से गेट करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली भी @model. लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें, अच्छा यहाँ पर फिर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर हमें देखा था कि यहाँ पर हमारे पास मॉडल जो है वो कैपिटल में यूज़ होता है, तो ID, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली भी उसकी वैल्यू को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास डायरेक्टिव्स हो गए। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक था वो था कि अदर हमारे पास और कौन से व्यू इंजन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको, मैंने याद हो तो शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास जो रेजर जो इंजन, व्यू इंजन है, वो MVC 3 वर्जन से इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन उससे पहले जो हमारे पास व्यू इंजन यूज़ होता था ASP.NET MVC के अंदर, वो था ASP.X, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी था और वहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। बट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा रेजर को ही यूज़ करें, लेकिन मोस्टली जो आजकल हमारे पास यूज़ होता है वो रेजर ही यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा भी हमें अदर व्यू इंजन्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर काम अचीव कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास व्यू इंजन्स हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं, ब्रेल है, NHML है, शार्प टाइल्स है, स्पार्क व्यू इंजन है, ये डिफरेंट किस्म के व्यू इंजन्स हैं जो हमारे पास ASP.NET MVC के लिए अवेलेबल हैं। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी ईमेल है asadmobile@gmail.com। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।